The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैटूज और टैटूज के रिमूवल पर। टैटूज जो है कई बार प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, कई बार लोग शौक में या पीयर प्रेशर में बना लेते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ में घुसने के बाद लगता है या निकालना पड़ेगा, निकालना चाहिए, सो नहीं पता होता लोगों को। तो आज ये जानकारी आपको देते हैं कि कैसे टैटूज को निकाला जा सकता है, उसको शेड फेड आउट किया जा सकता है। सो देखो, टैटूज जो आपके आर्म्स पे या फिर कहीं पे भी आप यूज़ करते हैं, कई बार आज के डेट, पहले तो बचपन में या जवानी में तो बहुत मज़ा आता है, लगा ले चलो, और फिर जाके कई बार आगे चल के एम्बैरेसिंग हो जाता है, कई बार आपके हस्बैंड या वाइफ को बहुत ज़्यादा इशू आता है तो आपको लगता है कि वो निकालना पड़ेगा, कई बार प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं। बट रिमूविंग अ टैटू वो इतना आसान नहीं होता, वो पेनफुल भी हो सकता है, उसमें कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, स्कार बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टैटू रिमूविंग का जो काम है वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल करे, एक डॉक्टर करे, एंड टेक्निकली इट शुड बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस, FDA के रेगुलेशन के हिसाब से भी टैटूज की जो इंक होती है वो कई तरीके से कॉस्मेटिक के हिसाब से आती है। सो इसलिए इंक के ऊपर कई सारे रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो दवाई वाले मेडिकेशन रेगुलेशन नहीं होते, मगर जो टैटू रिमूविंग वाला प्रोसेस है, ठीक है, लेज़र डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं वो ज़रूर रेगुलेट होते हैं, और इसके लिए कई अलग अलग प्रकार के लेज़र्स जो टैटू रिमूव करते हैं वो प्रूव किए गए हैं। अब टैटूज बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल रिमूव हो रहे हैं, और लिटरली मतलब 8-10 में से एक टैटू अपने निकाल रहा है, लोग कई सारे निकाल रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सो डॉक्टर्स जो हैं कई सारे टैटूज रिमूवल के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक इतना सिंपल सी चीज़ नहीं है, यू नीड टू नो समथिंग अबाउट इट्स नॉट लाइक रिस्क फ्री। सो टैटूज जो हैं टेक्निकली आर मेंट टू बी परमानेंट, ना वो परमानेंट सी एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड मशीन से नीडल के थ्रू आपके स्किन के नीचे पिगमेंट डाले जाते हैं, काले और बाकी उल्टे सीधे रंग के भी। इस टैटूज के ऊपर हमारा एक अलग से डिटेल वीडियो जिसमें हमने रिस्क समझाया है कि लाल, हरे, नीले, पीले, इनसे ज़्यादा रिस्क होता है एलर्जीज का, और बाकी चीज़ काले से थोड़ा कम होता है, बट टेक्निकली रिस्क तो सभी से है। सो इंक आपके सेकेंड लेयर ऑफ स्किन में डाली जाती है और वो रहती है वहाँ पर, सालों के बाद भी उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और पर ज़्यादातर केसेस में ये इंक लोगों में लंबे समय रहेगी, प्लस वो इंक का ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और लंबे समय में टैटूज फेड भी हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फेड होगा, लगे यार निकाल दो, पूरा ही निकाल दो, तो फेड हो रहा निकाल दो, नहीं अच्छा लगा निकाल दो, प्रॉब्लम है निकाल दो, अल्टीमेटली निकाल दो, कैसे निकालेंगे? सो इफेक्टिव रिमूवल मेथड क्या है, ऑप्शंस क्या है आपके पास? फर्स्ट इज द लेजर सर्जरी, जो एक स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें कई सारे FDA क्लियर्ड लेजर्स आते हैं जो टैटू रिमूव करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेजर रिमूवल टेक्निकली पल्स लगाए, हाई इंटेंस लेजर एनर्जी पास थ्रू की जाती है उस स्किन के लेयर से, एपिडर्मिस से, और वो क्या करेगी, वो सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द जो टैटू का इंक है, वो इंक उसे टिश्यू पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये लेजर जो है ये पिगमेंट को ब्रेक डाउन कर देता है बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स पे। जो ये छोटा छोटा पार्टिकल है ये आपके बॉडी के खून में चला जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है या एक्सक्रीट हो जाता है, और अल्टीमेटली या फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके लिम्फ नोड्स में या अलग टिश्यूज में, वहां जाके स्टोर हो जाएगा। तो इनमें से कोई ना कोई एक हशर होगा टैटूज के इंक का। सो अब ये समझ सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में टैटू निकालना है, बहुत ज्यादा मात्रा में टैटू करना क्यों हार्मफुल हो सकता है, समझने वाली बात है, ऑब्वियसली अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाली बात है। सो डिपेंड्स करता है टैटू को निकालने के लिए भी कि वो कौन से कलर का है, और क्योंकि हर कलर जो है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट मांगता है उसे तोड़ने के लिए। सो मल्टी कलर टैटूज को मल्टीपल लेजर थेरेपीज या मल्टीपल टाइप्स ऑफ लेजर की जरूरत पड़ सकती है, और मशीन उसमें डिफरेंट हो सकती है, और कोई लाइट कलर का, हल्के कलर का टैटू, ग्रीन, रेड, येलो है तो वो सबसे मुश्किल होता है निकालना। ब्लू, ब्लैक जो होते हैं वो ईजी होते हैं निकालने, और उसमें कई बार लंबे सेशंस की जरूरत पड़ सकती है, तो लंबे सेशंस की जरूरत पड़ सकती है, कई बार छोटे से सेशंस में नहीं भी होता, कई बार 6-10 सेशन लग सकते हैं, टैटू का साइज, टैटू के एरिया डिपेंड करता है।
ओके सो पल्स लेयर जो है वो कई सालों से यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें दर्द भी होता है, पेन भी हो सकता है, और इसमें फायदा क्या है, इसके अंदर इसमें स्कारिंग जो है कम से कम होती है, ठीक है, और समटाइम्स कई बार वो करना पॉसिबल नहीं होता पल्स लेजर। सो अभी फिलहाल खुद से टैटू रिमूव करना आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि टैटू रिमूव करने के कुछ ऑइंटमेंट भी आपको मिल जाएंगे, कुछ दवाइयां क्रीम्स बोल दीजिए वो भी मिल जाएंगे, मगर वो क्लिनिकली एविडेंस नहीं है कि वो काम करते हैं कि नहीं, कितना काम करते हैं, खतरनाक है कि नहीं है। यहाँ पर ये तरीके की क्रीम्स के बहुत से अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस, बर्निंग, स्कारिंग, इन्फेक्शंस होने के चांस हैं, पिगमेंटेशंस हो सकते हैं। सो याद रखिए लेजर रिमूवल इज द बेस्ट, और यहाँ पर इस केस में, और ऑब्वियसली हर एक के पेन थ्रेशोल्ड के हिसाब से पेन होगा, और टैटू जो इंक होती है वो जो कुछ लोगों का लेबर लेवस वो एक तरीके से वो टूट जाती है छोटे छोटे, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स, क्योंकि लेजर के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, रेडनेस, बर्निंग, स्कोरनेस हो सकता है, टैटू स्कार्स बन सकते हैं, ये देखिए लाल लाल पूरा कैसा इन्फ्लामेशन हो गया बहुत ज़्यादा। सो प्रोसीजर भी सही जगह से कराना बहुत ज़रूरी है, डर्मेटोलॉजिस्ट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ओवर ज़्यादा ना कर लें, ठीक है, कि टैटू बनने के चक्कर में, है ना। सो स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है पोस्ट लेज़र, जैसे हमने टैटू वाले केस में बताया, उसमें भी इंजरी हो रही है बॉडी में, 2 हफ्ते लगेंगे कम से कम ठीक होने में। सो टैटू वाला वीडियो और टैटू लेज़र रिमूवर वाला वीडियो ज़रूर आपने शेयर करना है लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़, और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं, हमसे लाइव बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।